हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने ब्लॉग के दो पार्ट कर दिए हैं। तो जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहला पार्ट देख लें, क्योंकि पहले पार्ट में आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई। वैसे तो हम दो जने आने वाले थे, लेकिन एक ही मैं आ पाया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो आपको फर्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। तो जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, देखिए, इन्जॉय करिए। तो फाइनली गाइस, 15 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच चुके हैं अजमेर स्टेशन। अब यहां से हमें नसीराबाद जाना है, तो उसके लिए टेम्पो या बस ढूंढनी पड़ेगी हमको, या फिर टैक्सी कोई बुक करानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा नसीराबाद से अंदर को जाना है, तो इसलिए बुकिंग करानी पड़ेगी। हालत ख़राब हो गई ट्रेन में बैठे बैठे, मैं एक बार भी बाहर नहीं निकला, एक बार निकला सिर्फ। तो फटाफट से ढूंढते हैं। यह है अजमेर का स्टेशन नसीराबाद। कितना लोगे नसीराबाद में, कौन सी जगह? गेट नंबर 2। कितना लोगे बता? 500 रुपये लेंगे सर। आप अकेले ही? हाँ अकेले, लेकिन 500 नहीं सर। आप ना, अरे नहीं, पहले भी आ चुका हूँ यार। आप ना गेट के वहाँ पूछ के फिर मेरे को किराया देना, आपसे ज्यादा नहीं लेंगे, हमारा रात दिन का काम है। वेलकम। रात दिन का काम नहीं है, 400 रुपए लास्ट है सर। हमारा इतना तेल ही महंगा हो गया सर। तेल महंगा हो गया, मुझे पता है, मैं पहले भी आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा डेली का है, मेरी सिस्टर रहती है, मैं आकर रहता हूँ। कहने की जरूरत ही नहीं है। 400 रुपए लास्ट जी, 400 रुपए नहीं होगा सर, हमारे को रिटर्न खाली खाली आना पड़ता। आप बेफिक्र रहो, आपसे ज्यादा किराया नहीं लेंगे, बोले आप गेट से वहाँ पूछ लेना। 400? अरे 400 ठीक है यार, सर खाली बहस करके कोई फायदा नहीं है। देखो हम सच से भी बोल सकते थे आपको। वेलकम। 450 दूंगा लास्ट, ठीक है? अरे यार सर, आप तो आगे बढ़ाओ। कितना किलोमीटर है यहाँ से? कितना किलोमीटर है? 21 किलोमीटर। तो ऊपर ही होगा शायद। तो यहाँ से नसीराबाद 21 किलोमीटर है अजमेर से। अगर उत्तराखंड में आओगे तो आपको 30 रुपए में छोड़ देंगे, पता है? हाँ, उत्तराखंड में 30 रुपए किराया है 30 किलोमीटर का। सही है। यहाँ तो क्या है, सिटी है ना, यहाँ काफी ज्यादा लूट है। नहीं, लूट नहीं है सर, तो सिटी छोटी है। अच्छा, ज्यादा फैलाव नहीं है ना सर यहाँ पे। अच्छा, सर आप मान लो 10 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं आया था पहले, लॉकडाउन के टाइम पे भी आया था ना एक बार, तो उस टाइम पे तो वहाँ जाने नहीं दे रहे थे आर्मी वाले उसमें। अच्छा, तो इधर ही होटल में रुका था मैं, इधर मजार के पास। अच्छा हाँ, आज सिस्टर है। यहाँ घूमने की बहुत जगह है। क्यों? बहुत जगह है सर, इतना टाइम ही नहीं है यार, मैं जब भी आता हूँ घूम नहीं पाता हूँ, इधर इधर टाइम ही नहीं मिलता। और इधर शूटिंग वूटिंग वाला भी था, जहाँ वो पुष्कर वगैरह, पुष्कर के अंदर होता है वो दिया और बाटी वाली के मंदिर भी है इधर, एक कोई वर्मा जी का। हाँ, मंदिर के अंदर एक ही मंदिर है, पुष्कर के अंदर वर्मा जी का। अच्छा, वर्मा जी का एक ही मंदिर है पूरे वर्ल्ड में, पुष्कर भी। अच्छा, हर बार सोच के आता हूँ कि घूमूंगा, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। घूम जाओ तो ये पुष्कर, यहाँ से पुष्कर का कितना लेते हो आप लोग? सर पुष्कर का आपको कैमल वगैरह सब करवा दूंगा, और बाबा जी के दर्शन वगैरह सब करवा दूंगा, 600 रुपीज दूंगा। अच्छा, कम से कम आपको 2 घंटे चाहिए, 2-3 घंटे मान लीजिएगा, अगर आप ढंग से घूमना चाहो तो।
वैसे जल्दी जल्दी के अंदर तो ये टेम्पो मतलब 600 रुपए में बुक हो जाएगा तो कितने 2-3 जने भी जा सकते हैं वो फिर प्राइस बढ़ेगा उसमें नहीं नहीं कोई नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ना फाइनली हमें अभी टेम्पो में 15 घंटे का सफर करके हालत खराब हो गई है अच्छा बैठे बैठे ट्रेन में सुबह उठो मैं आया हूँ लालपा से उत्तराखंड हाँ रानीखेत एक्सप्रेस में यहाँ स्टेशन में खाना भी नहीं मिलता नहीं अरे मैं उतरा एक दो स्टेशन में कुछ था ही नहीं और पानी भी एकदम गंदा तो पानी तो बोतल वाला ही खरीदना पड़ता है और क्या कहते हैं इधर नहीं इधर गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी ज्यादा है कब तक रहती है यहाँ गर्मी सितंबर चल रहा है हाँ हाँ ये अक्टूबर अक्टूबर चल रहा है ये अक्टूबर का लास्ट महीना है उसके बाद में मतलब नवंबर वही फर्स्ट सेकंड वीक में तब ठंडा होता होगा जब ठंडा हो जाता मतलब इतना भी गर्म नहीं रहता थोड़ा ठंडा हो जाता और सुबह और शाम की ठंड चालू हो जाती और फरवरी में फिर गर्मी होने लग जाती क्योंकि मैं फरवरी में भी आया था तो दिन में बाहर बैठने लायक नहीं हो रहा था वो कभी कभार होता है यहाँ पे तो फरवरी मार्च में तो पूरा ही हो जाता है मार्च में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती तो यहाँ से राजस्थान के तवा मेन राजस्थान सर बहुत लंबा चौड़ा है बहुत लंबा चौड़ा है राजस्थान अगर अजमेर से आप लोगे ना कम से कम 450 किलोमीटर तो यहाँ से जैसलमेर ही है यहाँ से अच्छा राजस्थान भी आता है गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं तो दीदी भी आ गई है लेने मैं स्कूटी में खड़ा हूँ वो एंट्री करवा रही है उधर तो स्कूटी मैं चलाऊंगा वो पीछे एंट्री करवा रही है दीख भी नहीं रही है आदि भी आया साथ में यहाँ पर अंदर गाड़ी हेलमेट पहन के ही चला सकते हैं और मास्क पहनना अलाउड हेलमेट पे सब बूम बाम गर्मी हो रही है यहाँ बहुत ज़्यादा तो यह है आर्मी कैंप है ये पूरा इधर आर्मी का है सपना था कभी आर्मी में जाने का यार सपना ही रह गया तो ये आ गया है आदि आ जा कहाँ बैठेगा आगे बैठेगा बैग हटा दूँ चेक करेगा ना आगे कौन गेट वाले जाने नहीं देंगे बिना इसको लगाए हुए तो पकड़ इसको तो आगे बैठेगा यहीं पर तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे यह है आदि भांजा हमारा क्यों हंस रहा है कैसे हंस रहा है देखो खुशी है घर जाएगा घर है
मैं लेने आया तेरे को, मेरे को बुलाया था तूने? बुलाया था फोन में। हाँ? फोन में बुलाया था तभी तो मैं आ गया तेरे को लेने, तूने बुलाया तब मैं आया। हेलो कर दे सबको, कैसे हो? तो गाइस ऐसी थी थोड़ा बहुत हमारी जर्नी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है यार, सपोर्ट करो। बाय बाय, टेक केयर।